नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने आ गए हैं और जहां एनडीए एक बार फिर से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, जहां केंद्र में काबिज होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो वहीं बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ और 40 लोकसभा सीटों पर हुए चुनाव में कई निर्दलीय चेहरों ने दांव ठोका और ऐसे में निर्दलीय चेहरों के जरिए दर्शाया भी गया कि कहीं ना कहीं चुनाव जीत भी सकते हैं। जैसे कि काराकाट से चुनावी मैदान में उतरे पवन सिंह, पूर्णिया लोकसभा सीट से उतरे पप्पू यादव और सिवान लोकसभा सीट से उतरती हुई निर्दलीय नजर आई हीना शाह। हीना शाह की चर्चा करें तो कहीं ना कहीं दावा किया जा रहा था कि यादव वोट बैंक से लेकर ब्राह्मण वोट बैंक से लेकर मुस्लिम वोट बैंक तक हीना शाह को सिवान में मिलेगा, लेकिन जहां टक्कर आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी और जहां जेडीयू के विजय लक्ष्मी कुशवाहा के साथ हीना शाह की देखी गई, यहां पर उम्मीद नहीं थी कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा बाजी मारती हुई नजर आएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जहां विजय लक्ष्मी कुशवाहा 3,86,508 वोट हासिल करती हुई नजर आई, तो वहीं दूसरी तरफ 9,000 के करीब वोटों से हीना शाह को उन्होंने हराया। आपको बता दें कि हीना शाह को 2,93,651 वोट सिवान पर हासिल होते हुए नजर आया। अवध बिहारी चौधरी की बात करें तीसरे नंबर पर आए, लेकिन हीना शाह की बात करें, ये कहा जा रहा था कि आरजेडी के साथ जुड़ी रही और प्रदर्शन बेहतर ना होने की वजह से उन्होंने आरजेडी का दामन छोड़ दिया, लेकिन अब चर्चाएं फिर से तेज हो गई हैं कि क्या फिर से वो आरजेडी के साथ जुड़ती हुई नजर आएंगी, क्या हार की वजह से वो एक बड़ा कदम उठा सकती हैं कि वो राबड़ी देवी से मुलाकात करती हुई नजर आए, क्योंकि जब आरजेडी का हिस्सा हीना शाह थी तब देखा जाए तो आरजेडी ने भरपूर समर्थन हीना शाह को दिया था, लेकिन अब देखना होगा कि हार तो गई है सिवान पर, लेकिन क्या अब कोई बड़ा फैसला विधानसभा चुनाव से पहले हीना शाह लेती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।